अगले पुरस्कार की मैं बात करूंगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक नेशनल फिल्म अवार्ड है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था, किसे सम्मानित किया गया था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, इसकी स्थापना कब हुई और इस पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है, इन सभी का डिटेल अध्ययन कराऊंगा। तो देखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह क्या है, नेशनल फिल्म अवार्ड है और यह अवार्ड, यह पुरस्कार भारत में सिनेमा के विकास में प्रदान किया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा के जगत में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जिसका योगदान अच्छा होता है, उसे ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था, किसे दिया गया था, तो आप बताएंगे देविका रानी को। कब दिया गया था, 1969 में। कब दिया गया था, 1969 में। और इसकी शुरुआत, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में हुई, 1969 में हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पुरस्कार की धनराशि, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो धनराशि होती है 10 लाख होती है, 10 लाख रुपीज होती है। 2018 में अमिताभ बच्चन को एवं विनोद खन्ना को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो अगर पूछा जाता है कि 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन या कौन थे, तो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को मिला था। कब मिला था, 2018 में। 2021 में रजनीकांत, जानते हैं ना, रजनीकांत को मिला। 2016 में मनोज कुमार को मिला था, था कर देते हैं और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, मिला था, ठीक है। आगे देखिएगा, अभी तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार 53 लोगों को या 53 अवार्ड बांटा जा चुका है। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं, कि अभी तक कितना बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार बांटा जा चुका है, 53। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। देखिए, अगर प्रश्न आता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में कोई विशेष उत्सव या समारोह पर दादा साहब फाल्के अर्थात नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा जाता है। क्या सोचें, क्या सोचें आप बताइए भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को सिनेमा के विकास में जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होता है, योगदान होता है, उसे ही राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में, क्या नई दिल्ली में किसी विशेष उत्सव या प्रोग्राम या समारोह पर प्रदान किया जाता है, याद हुआ कि नहीं। तो यही मैं पॉइंट लिखा हूं और इसमें सबसे विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल,
एक साल और 10 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कहां पर? नई दिल्ली। कब? कोई विशेष उत्सव होता है तो, कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो इसके पिछले वाले क्लास को अगर नहीं देखे होंगे, जैसे भारत रत्न अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, इन सभी वीडियो को मैं सिस्टमेटिक जीएस वाले प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड कर दिया हूं। वहां से पूरा डिटेल आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।